विधायक वासुदेव देवनानी के निवास पर जनसुनवाई आयोजित। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे अपनी समस्या लेकर। देवनानी ने कहा जल्दी समस्याओं का करेंगे निवारण। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वर्तमान में अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के निवास पर आज जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर विधायक वासुदेव देवनानी के सामने पहुंचे। देवनानी ने बताया कि ज्यादातर समस्या एडीए निगम से जुड़ी है। देवनानी ने बताया कि इस साल हुई भारी बारिश की वजह से अजमेर की कई कॉलोनियों में पानी भर गया, जिसकी वजह से मच्छर और गंदगी फैल रही है और भारी बारिश की वजह से कई सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई है। कई कॉलोनियों में नालियों के निर्माण को लेकर भी समस्या सामने आई। देवनानी ने कहा कि इन सभी समस्याओं पर जल्दी विचार कर निवारण किया जाएगा। वैसे तो जनसुनवाई एक नियमित प्रक्रिया है, फिर बीच बीच में जब विधानसभा चलती है, विधानसभा की कमेटी की मीटिंग चलती है, तो उस समय जन अपनी समस्या लेकर के आता है। आज बड़ी संख्या में अलग अलग कॉलोनी के लोग अपनी जन समस्याएं लेकर के आए, जिसमें प्रमुख रूप से एडीए से जुड़ी हुई, निगम से जुड़ी हुई, पीएचडी से जुड़ी हुई और अन्य प्रकार विभागों से जुड़ी हुई समस्याएं थी। कुल मिला करके सड़क और नाली, विशेष रूप से इन दिनों जो बरसात हुई है उससे खाली प्लॉटों पे पानी भर गया है, मच्छरों की समस्या से कुछ लोग ग्रस्त हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। विशेष जो फैसागर रोड के जो रोड पर कॉलोनियाँ हैं इनकी समस्या तीव्रतम है और कुछ एकाध जगह अनुकंपा नीति का मुद्दा आया, साथ में बिजली के ट्रांसफार्मर की जगह चेंज करने की समस्या आई और काफ़ी जगह तो एडीए अप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं फिर भी वहाँ पे खड्डे और सड़कें नहीं बनी हैं। तो मैंने संबंधित कुछ अधिकारियों से, कलेक्टर से भी बात की है और कुछ डिपार्टमेंट में अधिकारियों को निर्देशित किया, पीएचडी के एक्सचेंज से भी बात की है और निगम से जुड़े हुए मुद्दों में विशेष रूप से सीवरेज हुआ, तो बरसात के कारण पानी सीवरेज से लीक हो रहा है और कुछ जगह उसके कारण से समस्याएँ गंभीरतम आई है, तो वो भी समस्याएं मैंने संबंधित अधिकारियों को बताई है। एक आज समस्या जिला परिषद से जुड़ी हुई थी, वहाँ भी मैंने सीईओ को कह करके बताया। मुझे लगता है जन की समस्याओं के समाधान करना जो मेरा एक कर्तव्य है, उसके तहत आज समस्याएं सुनी हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और बाद में सारी समस्याएं का समाधान के लिए इनको रिटर्न में सारे अधिकारियों को, विभागों को अब मैं यहाँ से भेजूंगा और आशा करता हूँ कि लोगों की समस्याओं का हम लोग समाधान कर पाएंगे। असली समस्या सरकार का खजाना खाली होने का भी ध्यान में आया है, लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा हैं और हम सरकार को भेजते हैं, जब से कांग्रेस शासन आई है तब से ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं, नई कोई स्वीकृतियाँ जारी नहीं हो रही हैं, उसके कारण से भी समस्या बड़ी है। तो इसको भी मैं यथास्थान पर इन बातों को भी रख करके जन को राहत दिलाने का प्रयास करूँ। इस समस्या के लिए मैंने नगर